the state diagram is shown in the figure. This is the state diagram, given. So here the states are 00, 01, 10, and 11. Okay, it's a pattern A, B, C, D, that is what you know. Okay, up to Spoham 00, 10, is the same gap, so you know. So these are states. Which state diagram is? Medium. Okay, so it is medium. So it has got one input and one output. So design the sequential circuit. Design the sequential circuit using first T flip flop, using first T flip flop, capital T, toggle flip flop, second RS flip flop, and third JK flip flop. JK flip flop. Okay, so what we have to do, state diagram is given and we have to design a sequential circuit, okay, using different flip-flops, T flip-flop, RS flip-flop and JK flip-flop. Okay, so what do we have to do? State diagram is given. Okay, so according to this, whatever states are, according to that, what do you have to do? A sequential circuit. ठीक है, how many states are there? Four states. So how many flip flop you require? Two. Okay, so we know that 2 to the power n states. For 2 to the power n states, where n is number of flip flops. So here we require 2 flip flops. So we first go with T flip flop. Okay, so we require so this will be our T flip flop. Okay, so when we study the block diagram of
this more and relay. What we have studied that first is your next state formation circuit, then flip flop, then output. ठीक है ये पढ़ा था हमने, ये टेबल ये वाला भी बनाया था हमने, ये टॉगल वाले से यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ पर एक एंड गेट लगा था, यहाँ और गेट और आउटपुट पे और गेट लगा हुआ, यही चीज बनानी है, लेकिन वो एक जनरल था, ये इस पर्टिकुलर स्टेट डायग्राम के लिए आपको बनाना है, कोई रैंडम आपको स्टेट डायग्राम दे दिया हुआ है और उसका एक सिक्वेंशियल सर्किट डायग्राम आपको बनाना है यूजिंग दिस फ्लिप फ्लॉप्स टी फ्लिप फ्लॉप्स देन यू कैन डू इट विद आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड आल्सो विद जेके फ्लिप फ्लॉप ठीक है तो एक का कांसेप्ट समझ जाओगे तो बाकी का भी वहां पर बना लोगे तो हमको यहाँ पे क्या करना है ये टीए और टीबी को क्या इनपुट दो गया टीए और टीबी को ठीक है क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जो है यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द इनपुट्स फॉर टीए एंड टीबी ठीक है जो इन जो आपको इनपुट सर्किट यहाँ पे बनाना है आपके पास दो फ्लिप फ्लॉप है दो फ्लिप फ्लॉप आपने कैसे डिसाइड किया चार स्टेट्स से ठीक है चार स्टेट्स फोर स्टेट्स रिक्वायर टू फ्लिप फ्लॉप्स सो वी हैव गॉट टू फ्लिप फ्लॉप्स एंड वी हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द इनपुट्स एंड व्हाट विल बी द आउटपुट्स यूजिंग दिस स्टेट डायग्राम सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेट टेबल अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट डायग्राम ओके सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ स्टेट टेबल of the given state diagram. Okay? This is our aim to design our sequential circuit using this state diagram. Okay? So these are two states, two variables, A, B. तो जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जब A, B 0, 0 है चार कंडीशन होगा So when A, B 0, 0, ठीक है ये आपका x is equal to 0 ठीक है ये कहां जा रहा है वापस वहीं आ जा रहा है ये हो जाएगा a b 0 0 और इस समय आउटपुट है 0 ठीक फिर 1 ये वाला है 1 ठीक है ये कहां जा रहा है 1 0 में जा रहा है x is equal to 1 आउटपुट भी 1 है और इट इज गोइंग टुवर्ड्स 1 0 सो दिस विल बी 1 0 ठीक है ये जो है पहला टर्म वो x बताता है और सेकंड टर्म क्या बताता है आपका आउटपुट नेक्स्ट स्टेट जो इनपुट है यहाँ पर ये बता रहा है फिर 1 0 के लिए सॉरी 0 1 के लिए ठीक है 0 1 के लिए ये 1 0 ये 0 0 ठीक है सो वेल फॉर 1 0 इट इज गोइंग टुवर्ड्स 1 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इट इज गोइंग टुवर्ड्स 1 1 एंड आउटपुट इज 0 When x is equal to 1, it is going towards 0, 0 state.
एंड आउटपुट इज जीरो. फॉर 10 फॉर जीरो इनपुट 0x इट इज कमिंग बैक टू सेम 10. ठीक है, ये हो गया 10 और आउटपुट है इसका 1. फिर जब ये x की वैल्यू 1 है इट इज गोइंग टुवर्ड 0 1. ठीक, और उससे आउटपुट है 0. फिर 1 1 भी लेते हैं 1 1. ये जा रहा है जब 0 है x की वैल्यू 0 इट इज गोइंग टुवर्ड 0 0 एंड आउटपुट इज 1. आउटपुट इज 1. ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 1 इट इज गोइंग टुवर्ड्स 1 0 and output is 0. So this is the state table for the given state diagram. Okay. So pehla step ye hai, we have to construct a state table. Okay. So agar mujhe yahan par TA aur TB ki value chahiye, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेट टेबल है उसको टीए और टीबी के साथ मैप करना होगा, तभी वहां पर उसका इनपुट हम पा सकेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट एक्साइटेशन टेबल. So next step, we have to map the inputs of TA and TB. Okay. So present the state. A and B.
ये देखिए, ये है 0001101 x = 0 and x = 1, ठीक है। तो ये चार बार x = 0 और चार बार x = 1 के, ठीक है। 0000 x = 0 x = 1 के, 0101 x = 0 के लिए, x = 1 के लिए, 1010 x = 0 के लिए, x = 1 एंड सो ऑन, ठीक है। Next, when a and b is 0 और x is equal to 0, a b की वैल्यू कितनी है? 0, 0, ठीक है? When x, a is equal to 0, x is equal to 0, a b is 0, 0, ठीक? When x is equal to 1 and a is equal to 0, 0 is 1, 0, 0 जाएगा 1, 0. और इस सब आउटपुट है 0 और 1, 0 1 के लिए 1 1 आउटपुट है 0, 0 1 x = 1 is 0 0 एंड आउटपुट इज 0, ठीक। फिर 1 0, 1 0 और x = 0 है 1 0 और आउटपुट है 1, 1 0 x = 1 is 0 1, आउटपुट इज 0। फिर 1 1 के लिए 0 0, आउटपुट इज 1, 1 1 and 1 is 1 0, आउटपुट इज 0, ये टेबल बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इसको मैंने यहां पर बना, ठीक है। ये चार चार कॉलम थे यहां पर, इसमें चार चार रो है, इस कन्वर्टेड टू 8 कॉलम,
ओके. नाउ व्हाट विल बी द फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स कैसे लेंगे, ठीक है, टीए और टीबी. ठीक, अब टॉगल कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टॉगल का क्या काम होता है, जैसे अगर इनपुट अगर आपको जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलता है आपको हमेशा, Qn जो T Qn प्लस वन था, ठीक है, वो क्या मिलता था आपको हमेशा, QA कॉम्प्लीमेंट मिलता था हमेशा उसको, ठीक है, टॉगल होता था वो वन का आपको जीरो मिलता था, Qn QA अगर वन है, सॉरी, ठीक है, तो ये हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट मिलता था. और डी में क्या होता है, जो इनपुट दे रहे हो कोई आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए द ट्रांजिशन फ्रॉम जीरो टू जीरो, द ट्रांजिशन फ्रॉम जीरो टू जीरो और वन टू वन और वन टू वन for the T flip flop, for the T flip flop requires input T to be logic zero. ठीक है, तो जब भी कभी अगर यहाँ पे ट्रांजिशन से A जीरो से जीरो जा रहा है या वन से वन जा रहा है, ठीक है, तो वो सेम स्टेट में रह रहा है, सेम कंडीशन में रह रहा है, तो वहां कुछ टॉगलिंग नहीं होगी, तो P की वैल्यू आप वहां पर क्या सेट करोगे, देन P विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ ट्रांजिशन इज फ्रॉम जीरो टू वन और वन टू जीरो, ठीक है, जीरो से वन हो रहा है, वन से जीरो हो रहा है, तो कवर हो रहा है, टी की वैल्यू आप क्या सेट करोगे, यू सेट टी इज इक्वल टू वन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिशन जीरो टू वन, द ट्रांजिशन जीरो टू वन और वन टू जीरो और वन टू जीरो requires the input for T flip flop to be at logic one. ठीक है, हम ये टेबल बना सकते हैं, ठीक है, तो बस हम पहले देखेंगे टीए के लिए बनाना है तो प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट स्टेट, ये आपका प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, और ये नेक्स्ट स्टेट का ए को आप बस यहां पर कंसिडर करो, ठीक है, बस इन दोनों को ही देखना है, ठीक है, तो ये देखो, ये होता है आपका नेक्स्ट स्टेप, qn प्लस वन इज इक्वल टू qn का कॉम्प्लीमेंट है कि, ठीक है, अगर दोनों सेम है तो जीरो रखना है आपको, ठीक है, तो देखिए ये वाला प्रेजेंट स्टेट का ए है जीरो और ये है जीरो, तो t की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू जीरो, कोई चेंज नहीं हो रहा है, जीरो हो जाएगा जीरो. नेक्स्ट यहाँ पर जीरो है और ये वन है, सो देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम जीरो टू वन, सो दिस विल बिकम वन. This is 0, this is 1. Again, this will be 1. This is 0, this is 0. No transition, 0. 1 and 1. Again, no transition, 0. 1 and 0, 1. 1 and 0, 1. 1 and 1, 0. Similarly, draw the column for B.
वैसे ही आप किसके लिए बना लीजिए, बी के लिए। Okay, so this will be 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0. ये भी 0, ये भी 0, 0 और 1, 1, 1, 1, 0, and 1, 0, 1, 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 state table. Okay, so next, if you want an expression for the input TA and TB, what will we do? Agar mujhe TA ka input chahiye, ठीक है, अगर सर्किट में मुझे अगर TA बनाना है तो उसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं उसका लॉजिक डायग्राम बना सकता हूँ TA के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, K मैप, ठीक है। सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ K मैप फॉर फ्लिप फ्लॉप A symbol for flip flop B. And last, for out. ठीक है, तो कभी भी अगर आपको किसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो के मैट्स हम टेबल के पास, ठीक है। सो यहाँ पर जहाँ पर टीए की वैल्यू 1 है उसको लेके एसओपी दे रहे हैं हम, ठीक है। तो वेरिएबल्स हैं ए बी एंड एक्स, ए बी एंड एक्स, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0. अब देखिए ये 1 कब हो रहा है, इसके लिए 1 हो रहा है, ठीक है, ये वाले के लिए 1 हो रहा है, ठीक
ठीक है, इस समय ए बी जीरो है और वन, जीरो जीरो वन के लिए वन होगा, ठीक है, तो जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन ये वाला है, हो गया आपका वन, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू है वन जीरो वन, कौन सा है, सॉरी ये टीए वन जीरो, सॉरी जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो मतलब ठीक। फिर यहां पर है टीए की वैल्यू, ये है वन जीरो वन, तो वन जीरो वन का मतलब आपको यहां मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट इसके लिए वन वन जीरो, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू जीरो, ठीक है, तो वन वन जीरो ये के मैप मिला, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लीजिए और टीए की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आई, ठीक है, यहां पर आपको टीए की वैल्यू मिली। वैसे ही इसके लिए कर लीजिए, ये ए बी और एक्स और तो यहां पर कितना पेयरिंग होगा, दो पेयरिंग है, ठीक है, एक ये और एक फोर, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी बार 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 बार, ये हो जाएगा एक्स बार, लेकिन कितना आउटपुट इसका, तो यहां पर ये a बार है और a चेंज हो रहा है, b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा b, और यहां x बार कांस्टेंट है, ये हो जाएगा b x बार प्लस, यहां पर इस रो में x कांस्टेंट है और ये है a बार और ये है a, b बार कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हो जाएगी बी एक्स बार प्लस बी बार एक्स, ठीक है। अब इसके लिए करते हैं हम बी के लिए, बी का वन है, टीवी की वैल्यू यहां पर वन है, इस समय ये है जीरो वन वन, ठीक है, तो जीरो वन वन कौन सा होगा, ये सेल होगा ये वन, ठीक। फिर यहां पर ये वन है वन जीरो वन, तो वन जीरो वन, वन जीरो वन यहां पर, ठीक। फिर इसके लिए है वन वन जीरो, ये हो जाएगा वन वन जीरो यहां, और लास्ट ट्रिपल वन पे, ट्रिपल वन कहां होगा, यहां पर ये ट्रिपल वन, कितने पेयरिंग होंगे यहां, तीन पेयरिंग होंगे यहां, ठीक है, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर, तो टीवी हो जाएगा यहां पर, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा ए प्लस, इस वाले में ये हो जाएगा एक्स, और ये एक्स बार, एक्स कॉन्स्टेंट है
और क्या चेंज हो रहा है, ए कॉन्स्टेंट है, बी चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा ए प्लस, इस वाले में एक्स कॉन्स्टेंट है और ए चेंज हो रहा है बी, इसका आंसर आएगा ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब लास्ट आउटपुट भी देख लेते हैं। आउटपुट वाई का वन है 001 पर, ये 00011110001 ठीक है, 001 पर, 001 यहां पर, देन यहां पर वन है, इस समय ए वन बी जीरो और एक्स जीरो, तो 100 और एक और वन यहां पर 110 पे, 110 मतलब ये आउटपुट के बन गए। क्या पॉसिबल है यहाँ, एक पेयर है और एक सिंगल रहेगा। हाँ जी, अच्छा के मैप से ये तो समझ में आया ना कैसे इसमें बना रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया कांस्टेंट, एक पेयर बन गया और ये एक सिंगल, ठीक है, y output will be equal to, ये है ab 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 देखिए, जब इस पेयर को देख रहे हैं हम, ठीक है, यहां पर a और a कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसको लिखते हैं हम, और B से B बार ही चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको नहीं लेते हैं। यहां पर देखिए X बार की वैल्यू कांस्टेंट है, इस कॉलम के लिए ये हो जाएगा A X बार, ठीक है, प्लस ये कॉलम है, किसी से पेयरिंग नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू है A बार B बार, और यहां पर है X, ये हो जाएगा A बार B बार X, मिल गया आउटपुट के लिए, मिल गया इनपुट ऑफ ए के लिए, मिल गया इनपुट ऑफ बी के लिए, मिल गया फॉर फ्लिप फ्लॉप ए एंड बी। ठीक है, चलिए इसको फिर से बताता हूं मैं, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस पेयर के लिए ले रहे हैं, ठीक है, इस पेयर में देखो ए बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और एक्स कहां चेंज हो रहा है, एक्स बार से एक्स चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई ए बी, ठीक है, जो रो में रहता है उसी को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक, तो इस पेयर के ले रहे हैं, इस पेयर में देखो ये है ए और ये ए, ए ही रहेगा और ये बी और ये बी बार हट जाएगा ये, और यहां पर एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये मिल गया आपको एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स। फिर इस पेयर में देखिए यहां पर ए बार से ए हो रहा है, ए चेंज हो रहा है और बी कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए बी, और यहां पर एक्स कांस्टेंट है, ये मिल जाएगा आपको बी। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, सो कितने स्टेप है, पहले स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल बनाया, स्टेट से एक्साइटेशन टेबल बनाया, एक्साइटेशन से के मैप बनाया, अब के मैप से आप आ रहे हो सीक्वेंशियल, ठीक है, तो बहुत, सो दिस विल बी योर टीए क्यूए एंड क्यूए बार, ठीक है, टीए का इनपुट चाहिए आपको, ठीक है, टीए के लिए इनपुट ये है, ये देखिए TA is equal to BX plus X B bar, ये तो हम कितने AND गेट चाहिए, दो AND गेट चाहिए, ठीक है, और इसको आप कर दोगे ऐड, आप वो ही बना सकते हो, अगर एग्जॉर नहीं पता है तो ऐसे बना सकते हो, इट इज एग्जॉर, एग्जॉर के डायरेक्ट बना सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है,
तो यहां पर एक इनपुट होगा बी, ठीक, और दूसरा है एक्स बार, ठीक है, इसके लिए इनपुट है एक्स और इसके लिए है, तो ये हो गया इनपुट ए के लिए, ये आपका पहला इनपुट लगा सकते हो ना, अगर नहीं पता है मुझे तो, ठीक है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है, कुछ नहीं कि नहीं लगा सकते। अब ये मुझे किसके लिए बनाना है, टीवी के लिए बनाना है, टीवी में कितने हैं, 1 2 3 थ्री टर्म्स हैं, तीन एंड गेट चाहिए मुझे, तीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, पहला है ए बी, दूसरा है ए एक्स और तीसरा है बी एक्स, ये और करके आपने दे दिया टी बी, ठीक है, ये आपका बन गया सीक्वेंशियल सर्किट। ये आपका ए, ठीक है, और आउटपुट के लिए इस कॉलेज से मांगे थे, ये हो गया ए और ये एक्स का, ठीक है।